आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खालिद, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जेपीसी पाली। हमारा आज का टॉपिक जो हम लेंगे वो EL206 वेव प्रोपोगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से लेंगे हम एंटीना एरेज। वे पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स के एंटीना स्टडी किए थे। उन एंटीनाज को हम मल्टीपल फॉर्म्स में इम्प्लीमेंट करके लगा के हम एंटीना एरेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, उससे किस टाइप के बेनिफिट हमको मिलते हैं वो इसमें हम कंसिडर करेंगे। फर्स्ट, एंटीना एरे और फेज्ड एरे बेसिकली होता क्या है, सेट ऑफ टू एंड मोर एंटीनाज जिनको कि हम कंबाइन करते हैं टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ओवर दैट ऑफ सिंगल एंटीना। मीन जो परफॉर्मेंस हमको सिंगल एंटीना से मिल रही थी उसको हम इंक्रीज करने के लिए, उनसे एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस लेने के लिए हम उसको दो और से ज़्यादा एंटीनाज को हम कंबाइन करते हैं, उनको बोलते हैं बेसिकली एंटीना एरेज। एंटीना एरेज से देखा हमने कि जनरली इसको हम काम में लेते हैं टू इंक्रीज द ओवरऑल गेन, provide directivity reception means to receive direct reception from particular directivity from particular direction, cancel out the interference, जो भी interference के अंदर हो रहा signals उसको हम cancel कर सकते हैं, give the direction of arrival of incoming signals and to maximize the signal to interference plus noise ratio SINR। तो ये हमें कुछ benefit हम achieve करते हैं, उनके help से हमको gain increase कर सकते हैं, हम diversity को increase कर सकते हैं, interference को हम cancel out कर सकते हैं और इसके सिग्नल टू नॉइज रेशियो को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय कंबाइनिंग द एंटीना एरेज। एंटीना एरे यूजुअली मेड अप ऑफ मोर देन वन डाइपोल, इससे हम एक या उससे ज्यादा डाइपोल्स को बनाते हैं, लेकिन जो हम डाइपोल यूज कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्या है, वो डाइपोल हम यूज करेंगे एज अ ड्राइवन एलिमेंट्स, नॉट एज अ पैरासिटिक एलिमेंट। उन डाइपोल्स को हम एज अ ड्राइवन एलिमेंट लेंगे, मतलब उन पर हम फीड अप्लाई करेंगे। एज दियर एंटीनाज रेडिएट इंडिविजुअली, ये सब एंटीना अपने इंडिविजुअली रेडिएट करते हैं, लेकिन जब ये एरे के अंदर होंगे तो इन सबका जो रेडिएशन होगा वो सम अप हो जाएगा, उनको हम ऐड करेंगे टू फॉर्म द रेडिएशन बीम विच इज हाई गेन। इसका हाई गेन मिलेगा हमको, हाई डायरेक्टिविटी हमको अचीव होगी और बेटर परफॉर्मेंस हमको मिलेगी विद मिनिमम लॉसेस। दीज आर द एडवांटेजेस विच वी गेट फ्रॉम एंटीना एरेज एज कम्पेयर टू द सिंगल एंटीना। अब जो हमारा सिंगल डाइपोल हम काम में ले रहे हैं वो हमारा एज ए ट्रांसमीटर की तरह भी काम करेगा और ऐसा रिसीवर की तरह भी वो काम करेगा, बिकॉज एंटीना है, दोनों पर्पस के लिए हम काम में लेते हैं। अब एंटीना एरे को हम लीनियर कब बोलेंगे, अगर मेरे एंटीना एरे लीनियर कहलाएगा तब उसके सारे जो एलिमेंट्स उसके अंदर लगा रखे हैं वो सब हमारे इक्वली स्पेस्ड के हैं और अलोंग स्ट्रेट लाइन। सब हमने फाइव एलिमेंट लगा रखे हैं, वो फाइव एलिमेंट अगर हमारे पास में इक्वली स्पेस्ड के अंदर और स्ट्रेट लाइन के फॉर्म के अंदर अरेंज कर रखे हैं, देन सच एंटीना एरेज आर नोन एज लीनियर एरेज। और इसे लीनियर एंटीना एरे को हम यूनिफॉर्म एंटीना एरे बोलेंगे, अगर जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन सबको हमने करंट फीड कर रखी है इक्वल मैग्नीट्यूड विथ प्रोग्रेसिव यूनिफॉर्म फेज शिफ्ट अलोंग द लाइन। मतलब हम जितने भी हमने एलिमेंट अरेंज कर रखे हैं इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, जिससे हमारा लीनियर एरे कहलाएगा। यूनिफॉर्म कब कहलाएगा, जब हमने उस सभी एंटीना को हमने इक्वल अमाउंट ऑफ करंट दे रखी है और प्रोग्रेसिव यूनिफॉर्म फेज शिफ्ट, उसमें जो फेज शिफ्ट है वो हम प्रोग्रेसिव मैनर के अंदर इसको इंक्रीज करते जाएंगे, तब वो हमारा लीनियर एरे जो है एंटीना एरे है वो कहलाएगा यूनिफॉर्म लीनियर एरे एंटीना एरे। एंटीना एरेज हमारे पास में डिफरेंट, जो हम एंटीना को अरेंज करते हैं अलग कॉन्फिग्रेशन के अंदर अरेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसको हम सर्कल की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, उसको हम रेक्टेंगुलर की फॉर्म के अंदर अरेंज कर सकते हैं, तो उस तरह से डिफरेंट कॉन्फिग्रेशन हमको एंटीना एरे के हमको मिल सकते हैं। पर प्रैक्टिकली जो हम काम में लेते हैं एंटीना एरेज वो कुछ बेसिक टाइप्स के होते हैं, उनमें से हमारे पास में कौन से हैं, ब्रॉड साइड एंटीना एरे, एंटीना एंड फायर एंटीना एरे, कोलिनियर एरे, पैरासिटिक एरेज, यागी उदा एरे, लॉग पीरियडिक एंटीना एरे, टर्न स्टाइल एंटीना एरे और सुपर टर्न स्टाइल एंटीना एरे। इसमें से हमारे सिलेबस के अंदर दे रखे हैं वो दो टाइप्स के एंटीना एरेज हैं, ब्रॉड साइड एंटीना एरे एंड द एंड फायर एंटीना एरे, इसको हम स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर। फर्स्ट, हमारा जो एंटीना एरे है वो ब्रॉड साइड एंटीना एरे है। आप देखेंगे डायग्राम के अंदर ब्रॉड साइड एंटीना एरे के अंदर क्या होगा, जितने भी हमने एलिमेंट यूज कर रखे हैं 4-5 जब यूज कर रखे हैं वो सब हमारे प्लेस्ड पैरल, हमने आपस में पैरल लगा रखे हैं दूसरे के, और डायरेक्शन जो हमारा मैक्सिमम रेडिएशन होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन ऑफ द एंटीना एलिमेंट्स। जैसे ये हमारा एंटीना एलिमेंट्स का प्लेन हमने ले रखा है, उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम एंटीना एरे होगा, मैक्सिमम रेडिएशन की डायरेक्शन होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी लाइक दिस वाली। तो जितने भी हमारे एंटीना एरेज हमने लगा रखे हैं वो हमारे इक्वली स्पेस्ड के अंदर हैं,
इन केस ऑफ ब्रॉड साइड एंटीना एरे, तो हमारे जितने भी नंबर जो हमारे ब्रॉड साइड एरे कंसिस्ट किस पे होगा, नंबर ऑफ आइडेंटिकल एंटीना एरेज प्लेस पैरेलल टू ईच अदर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन हम जिसमें अरेंज कर रखा है वो हमारी परपेंडिकुलर है टू द एक्सिस ऑफ इंडिविजुअल एंटीनास। देखो हमने इंडिविजुअल एंटीना का एक्सिस ये वाला होगा और हमारे एंटीना एरे की जो एक्सिस ये वाली है, तो आपस में परपेंडिकुलर है। दिस ईच एलिमेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ एंटीना एरे, ये हमारी एंटीना एरे की एक्सिस है और हर एलिमेंट उसके परपेंडिकुलर में अरेंज कर रखा है इक्वल डिस्टेंस, जिसको कि हमने ले रखा है डिस्टेंस डी स्मॉल डी। ऑल द एंटीना एरे स्पेस्ड इक्वली अलोंग द एक्सिस ऑफ द एंटीना एरे। हम देख चुके हैं जितने भी हमने एरे काम में ले रखे हैं वो हमारे इक्वली स्पेस्ड है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, और उनके जो बीच की स्पेसिंग है उसको हमने डिनोट कर रखा है बाय स्पेसिंग डी से। और जितने भी हमारे एंटीना एरे हैं उनको हमने फीड कर रखा है विद इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम फेज के अंदर, सभी को हम सेम मैग्नीट्यूड से हम फीड कर रहे हैं और सभी को हम सेम फेज के अंदर फीड कर रहे हैं इन केस ऑफ ब्रॉड साइड एंटीना एरेज। तो जो हमारी मैक्सिमम रेडिएशन होगी मेन डायरेक्टेड वो कहाँ होगी, ब्रॉड साइड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ एरे, दैट इज रेडिएशन पैटर्न फॉर द ब्रॉड साइड एरे इज बाई डायरेक्शनल। जो हमारा इसका रेडिएशन पैटर्न होगा वो क्या होगा, हमारा बाई डायरेक्शनल पैटर्न होगा और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम रेडिएशन इज डायरेक्टेड इन ब्रॉड साइड डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ एरे। ये हमारी लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ एरे एंटीना की इस साइड में है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हमारी जो रेडिएशन पैटर्न की डायरेक्शन होगी वो हमारी टॉप टू बॉटम होगी, इस तरह से वाली पैटर्न को मिलेगा, बाई डायरेक्शनल पैटर्न हमको अचीव होगा। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एंटीनास इन विच मैक्सिमम रेडिएशन इज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ एरे एंड प्लेन कंटेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। जैसे ये हमारी एंटीना की एक्सिस की अगर डायरेक्शन लेते हैं हम ये वाली, तो इसका जो हमारा रेडिएशन होगा वो किस साइड में होगा, वो इस साइड के अंदर हमारा रेडिएशन होगा इन केस ऑफ ब्रॉड साइड एंटीना एरेज। रेडिएशन पैटर्न आप देखेंगे इसका बाई डायरेक्शनल है एंड राइट एंगल्स टू द प्लेन ऑफ द बीम इज वेरी नैरो विद हाई गेन। तो इसका पैटर्न होगा बाई डायरेक्शनल है और परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द एंटीना एरेज। बीम इज अ बिट वाइडर एंड माइनर लोब्स आर मच रिड्यूस, हमारी माइनर लोब्स काफी इसमें रिड्यूस हो जाएंगी और बिट हमारी जो काफी वाइड होगी, हमारी जो मेन लोब्स इसके अंदर होंगी। तो ये हमारा हो गया अबाउट द ब्रॉड साइड एंटीना एरे। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टाइप का जो हमारा है एंड फायर एरे। दोनों कंस्ट्रक्शन करी करी सेम है, बट थोड़ा इनका जो हम फीड देते हैं उस अकॉर्डिंग उसमें हमें जो रेडिएशन पैटर्न मिलेगा उसकी डायरेक्शन कुछ अलग मिलेगी। तो एंड फायर एरे इज वेरी मच सिमिलर टू द ब्रॉड साइड एरे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अरेंजमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जो हमारा डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन था वो परपेंडिकुलर था एक्सिस ऑफ एरे इन केस ऑफ एंड फायर एरे, केस ऑफ हमारा लास्ट एंटीना ब्रॉड साइड एरे। जबकि हमारा एंड फायर एरे के अंदर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ एरे। इसके हमारी ये एक्सिस की डायरेक्शन है वाली, तो इसका जो हमारा मैक्सिमम रेडिएशन होगा वो क्या होगा, वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर होगा। जबकि हमारे ब्रॉड साइड एरे के अंदर कहाँ था, वो इसके परपेंडिकुलर था। ठीक है, अब एक बेसिक डिफरेंस है दोनों एंटीना एरे के अंदर, बाकी इनका वो ये दोनों को हमने एलिमेंट्स को पैरल अरेंज कर रखा है विद इक्वल स्पेसिंग विद डिस्टेंस डी। Thus in end fire array number of identical elements are spaced equally along a straight line just like the case of broadside array. Mean जितने भी elements हैं वो हमारे equal spaced के ऊपर हैं और जितने elements हैं उसको हमने fed individually with currents of equal magnitude. इन सबको सभी element को हम equal magnitude current से feed करेंगे, but इनका जो phase होगा वो हमारा progressively बढ़ता जाएगा along the line to get entire arrangement unidirectional. तो हमारा पैटर्न जो मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा, इसके अंदर यूनिडायरेक्शनल पैटर्न मिलेगा। तो जो हमारे सभी को हमने इक्वल अमाउंट से फीड किया है और जो उनका फेज होगा वो हमारा प्रोग्रेसिवली बढ़ता जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू द लास्ट एलिमेंट, और इसकी वजह से हमारा पैटर्न जो मिलेगा वो हमको यूनिडायरेक्शनल मिलेगा और मैक्सिमम अलोंग द एक्सिस ऑफ रेडिएशन इस डायरेक्शन के अंदर ही अलाइन करेगा रेडिएशन, और इसके राइट एंगल डायरेक्शन के अंदर कोई भी हमको रेडिएशन नहीं मिलेगा। जो हमारे पहले और तीसरे एलिमेंट थे फेड आउट ऑफ फेज एंड देयर फॉर कैंसिल ईच अदर, हमारे जो पहले और थर्ड एलिमेंट है वो सेम फेज के अंदर है तो इस रेडिएशन कैंसिल कर देंगे, इसी तरह सेकेंड और फोर्थ कैंसिल कर देंगे, तो हमको क्या होगा, सारे फेज कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको इसके मैक्सिमम डायरेक्शन के
परपेंडिकुलर हमको कोई रेडिएशन नहीं मिलेगा, जो भी रेडिएशन हमको मिलेगा मैक्सिमम रेडिएशन वो हमको डायरेक्शन ऑफ एंटीना एक्सिस के डायरेक्शन के अंदर ही अचीव होगा। आप इसका रेडिएशन पैटर्न देखेंगे हमारे पास में, हमने लिखा रखे डिफरेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एन। तो पहला हमारे पास का जो पैटर्न होगा वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल एंटीना एरेस है और इसके अंदर मेजर लोब अकर्स एट वन एंड, साइड लोब्स माइनर लोब्स काफी इसके अंदर हमारी रिप्रेजेंट कम हो जाएंगी। फिगर फर्स्ट है वो हमारा, ये वाला फिगर फर्स्ट जो उसमें दिखा रखा है वो हमारा शो कर रहा है पैटर्न ऑफ सिंगल एरे, वाइल टू थ्री एंड फोर रिप्रेजेंट मल्टीपल एरे। अगर हम सिंगल एंटीना एरे लेंगे उसका पैटर्न इस तरह का होगा, दो एरे लेंगे हम इस तरह का होगा। इससे हमारा पैटर्न आप देखेंगे जैसे जैसे हम एंटीना एरेस को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, नंबर एलिमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, इसके जो पैटर्न थी डायरेक्टिविटी थी वो हमारी इंक्रीज होती जा रही है। तो इस तरह से हमको मिलेगी हमारी ओवरऑल रेडिएशन पैटर्न मिलेगा हमारे इस एंड फायर एरे का, जिसकी ये मेजर लोब कहलाएगी वाली, देयर इज अ मेजर लोब और बाकी जो हमारे पास में वो साइड लोब्स और बैक लोब्स है जो हमारी वेस्टेज ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ना अब हम देखेंगे इन दोनों हमने डिफरेंट टाइप्स के, ऐसे हमारे और भी डिफरेंट टाइप्स के एंटीना है एरेज हैं, कोलिनियर एरे, टनिस्टर एरे, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ एंटीना एरेज। जो हमने एंटीना एरेज बनाया है बाय कंबाइनिंग डिफरेंट नंबर ऑफ एंटीनाज इन द मल्टीपल्स, तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होगी हमारी काफ़ी इंक्रीज होगी इन केस ऑफ एरेज एंटीना एरेज एज कम्पेयर टू द सिंगल एंटीना। हमको हाई डायरेक्टिविटी इसमें अचीव होगी। जो हमारी माइनर लोब्स हैं जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं वो हमारी इसमें रिड्यूस हो जाएंगी काफ़ी ज़्यादा। सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमको इसके अंदर हाई मिलेगा, हमको हाई गेन अचीव होगा एंटीना को, एंटीना से, एंटीना एरे से पावर वेस्टेज हमारी कम हो रही है और परफॉर्मेंस हमको बेटर मिल रही है। तो आप देखेंगे नंबर ऑफ एडवांटेजेस वी आर गेटिंग फ्रॉम एंटीना एरेज एज कम्पेयर टू द सिंगल एंटीना। स्ट्रेंथ हमको इंक्रीज मिलेगी, डायरेक्टिविटी इंक्रीज होगी, हमारी माइनर लोब्स हमारी कम हो जाएंगी मीन्स वेस्टेज ऑफ एनर्जी कम हो जाएगी, हाई गेन मिलेगा, सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमारा इंप्रूव हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या रहे, हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज होंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस लॉसेस इसके अंदर इंक्रीज होंगे और इनकी माउंटिंग और मेंटेनेंस डिफिकल्ट होती है बिकॉज डिफरेंट सिंगल पाइप के ऊपर हमको मल्टीपल एंटीनास कनेक्ट करने हैं, तो उसकी माउंटिंग और मेंटेनेंस काफ़ी डिफिकल्ट होती है और हमको ज़्यादा स्पेस चाहिए कि एंटीना साइज बड़ी हो जाएगी। जब नंबर ऑफ एंटीनास को मल्टीपल्स में कनेक्ट करेंगे तो हमको हाई एक्सटर्नल स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी इन एंटीना को माउंट करने के लिए। इनके एप्लीकेशंस आप देखेंगे तो हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन करने के लिए इसको हम काम में ले सकते हैं, ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर काम आता है, हमारे मिलिट्री रडार कम्युनिकेशन के अंदर इसको हम काम में लेते हैं और हमारे डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी के लिए भी इसको हम काम में लेते हैं। तो आपने देखा किस तरह से हम सिंगल एंटीनास को हम मल्टीपल्स में कनेक्ट करके एंटीना एरे बनाते हैं और उस एंटीना से हमको लास्ट नंबर ऑफ बेनिफिट्स हमको अचीव होते हैं, हमारा गेन इंक्रीज होता है, एंटीना की डायरेक्टिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, लॉस कम होता है, तो इस तरह से गेन इंक्रीज हो रहा है। तो डिफरेंट एडवांटेज हमको मिलती है एंटीना एरे से, उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव होती है एज कम्पेयर टू द सिंगल एंटीनास। ओके थैंक्स।